इंडिया का मजाक उड़ाते उड़ाते हमने अपना ही मजाक उड़वा लिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से। एंड में 3 छक्के, कोई नहीं भूल पाएगा ये सेमीफाइनल। और शाहिन शाफरी थी के तीन ने जो 3 छक्के खाए हैं इसको कोई नहीं भुला पाएगा। लेकिन सबसे पहले हसन अली का जिक्र करना चाहूँगा। हसन अली ने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी विकेट नहीं ली, शायद एक ली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और किसी टीम के खिलाफ विकेट नहीं ली। बस केन विलियमसन को एक आउट किया और रन आउट, बस वो उस पर शोखे हो जा रहे हैं ये हसन अली के जो फ़ैन है। वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, बस व्लॉग बनवा लो इनसे मेरी तरह, और कुछ नहीं है, बस यही काम है इनको। और यार आप अगर ख़ुद मेहनत नहीं कर सकते तो दूसरों को तो करने दो। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते, अगर आप ख़ुद नहीं पहुंच सकते दूसरों को करने दो। शाहिन शाफरी, हारिस रऊफ सब इतना अच्छा खेल रहे हैं, शादाब खान, बाबर, रिजवान, सबका आपने टूर्नामेंट ख़राब किया। सिर्फ एक बंदे ने इतना रन खा रहे हो आप, कुछ लिहाज कर लो थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं, हसन अली पता नहीं क्या यार उसको क्यों सिलेक्ट किया इन लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ रही। फ़खर जमान में तनकीद दौरे थी लेकिन उसने परफॉर्म कर दिया। हसन अली ने कब परफॉर्म किया मुझे आप बताएं। किसी मैच में उसने इकॉनमी रेट अपना कम रखा हो, कभी 4 ओवर में 40 खा रहा है, 4 ओवर में 30, 4 ओवर में 35, 4 ओवर में इस तरह, आज भी इस तरह ही किया, बहुत रन खाए हैं, हर बार इस तरह करते हैं, उसको क्यों नहीं टीम निकाल रही। ब्लॉग बनवा लो, ये वो कर लो। इसकी अच्छा किस्मत बहुत अच्छी है, 2019 के वर्ल्ड कप में इसके साथ ऐसे ही हुआ था, लेकिन फिर से आ गए यहाँ पर और फिर से वही कबाड़ा। अब अल्लाह करे ये 2022 में अपेरा नाजिल हो जाए, पता नहीं क्या बात है। शाहिन शाफरी इतना अच्छा खेल रहा है, उसका भी करियर इसने बर्बाद कर दिया, कैच छोड़ दिया। अगर वो यकीनन से अच्छी तरह, मैं मुकम्मल कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान हसन अली वो कैच कर लेता तो डेफिनेटली 100% चांस से तो पाकिस्तान फाइनल में मौजूद होना था और ऑस्ट्रेलिया को गंदी शिकस्त हो जानी थी। लेकिन वो 3 छक्के पर शाहिन अफरीदी भी प्रेशर में आना ही था, वो जाहिर आ जाता है प्लेयर इस तरह के प्रेशर के बाद, इस तरह के एक मोमेंट के बाद वो होना ही था। ये सब कुछ ही मुझे पता लग गया था उस टाइम जब कैच छूटा, तो बस मैं उस टाइम ही मैच छोड़ दिया। लेकिन कोई मसला नहीं, ऑस्ट्रेलिया आपसे हम बदला लेंगे इंशाल्लाह 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, या फिर आगे जो सीरीज़ वगैरह आएंगे उनमें बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और न्यूजीलैंड, आपने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देनी है फाइनल में इंशाल्लाह, और फाइनल का ताज आप लोग सजा लें अपने सर पे। और हसन अली तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, अच्छी नहीं की, पाकिस्तानी हो, हौसला रखो, कोई बात नहीं, हो जाता है। बाबर आजम अच्छे कप्तान साबित हुए, बहुत अच्छे मेहनत की सब खिलाड़ियों ने, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से सब बर्बाद हो गया, क्या कहूँ मैं यार। अब चलें एंड करते हैं यहाँ पर ही, मुझे भी कुछ कहना नहीं आ रहा। अल्लाह हाफ़िज़।